एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ इज़ एवरीवन डूइंग? वी आर डूइंग फाइन। और मैं यहाँ पे निकली हूँ बच्चे लोगों के साथ बाहर, तो आगे मैं बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं। हम आ चुके हैं एक्सिस मॉल, जो कि है राजरहाट न्यू टाउन में। मेरी सिस्टर के घर से बिल्कुल 5 मिनट्स है। और हमने लिया था टोटो, और टोटो पर पर्सन 20 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने लिया था 100 रुपीज़। हम 5 लोग थे। सो हम पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं एक्सिस मॉल के 6th फ्लोर में। यस गाइस, 6th फ्लोर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो स्नो पार्क है वो काफ़ी पहले एक्चुअली खुला था, और काफ़ी पहले से बच्चे बोल रहे थे कि एक दिन जाना है। और मुझे भी देखना था आखिर कैसा है, बिकॉज मैंने स्नो रियल में एक्सपीरियंस किया है, बट ऐसे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है। तो मैं बच्चे के कहने पे चली गई थी, और 500 रुपीज़ करके पर पर्सन चार्ज करते हैं वो 1 आवर के लिए। और उन्होंने ये बैग दिया था अंदर शूज़ रखने के लिए, और यहाँ पे देते हैं जैकेट्स, बूट्स, ग्लव्स और सॉक्स। आप ख़रीद सकते हो, सॉक्स 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से है। वो सॉक्स आप ले सकते हो, अपने साथ घर लेकर जा सकते हो। तो हमने स्टार्टिंग में सॉक्स नहीं लिया था, हमने सोचा था बूट्स विल बी इनफ। तो यहाँ पे देखिए, हम सब अपने जैकेट्स वगैरह पहन रहे हैं। नाउ वी ऑल रेडी टू गो इनसाइड। और देखिए, यहाँ पे बाहर कुछ सेल्फी पॉइंट्स बने हुए थे जहाँ पे मैंने बच्चे लोगों को बोला कि आप लोग पोज करो, अब मैं फ़ोटोज ले लेती हूँ। सो देखिए, सारे लोग रेडी हैं। अंदर चलते हैं, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो जस्ट टू लेट यू नो, अंदर की टेम्परेचर है -6 डिग्री सेल्सियस। यस, बहुत ही ठंड होने वाली अंदर। बच्चे कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, और बच्चे की हाइट के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट थी, पर मैंने जब ट्राई किया मैं फ़िट ही नहीं हो रही थी गाइस, मैं क्या बोलूँ। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जैसे भी फ़िट हो जाऊँ और एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक कर लूँ। देखिए कितना फ़नी लग रहा है ये। ये जगह के हिसाब से 1 आवर इनफ है गाइस। पहले तो मुझे लग रहा था एंटर करने के पहले कि 1 घंटे बहुत कम है, पर अंदर आने के बाद इतनी ठंड थी कि मुझे लग रहा था मैं बस 1/2 आवर में निकल जाऊं यहाँ से। 1/2 आवर इनफ होता है क्योंकि आपके हाथ पैर नंब हो जाते हैं बिल्कुल। और हमने सबसे बड़ी गलती की थी कि हमने सॉक्स नहीं लिया था, तो हमारे पैर बिल्कुल नंब हो जा रहे थे। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्नो पार्क इज दिस राइड। ये जो स्लाइड है ये बहुत मज़े का है गाइज, इसमें बहुत इंजॉय कर सकते हैं आप, बहुत मज़ा आ रहा था। हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी थी बिकॉज किसी से चला नहीं जा रहा था। सो फाइनली रिहान ने सॉक्स लाया खरीद के बाहर से, तो हम सब यहाँ पे सॉक्स पहन रहे हैं, और सॉक्स पहनने के बाद वापस अंदर जाएंगे। और देखिए, वापस अंदर जाने के बाद हमने देखा उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दिया था, और यहाँ पे कलरफुल लाइट्स ऑन कर दिया था, डिस्को लाइट्स, और म्यूज़िक लाउड कर दिया था ताकि आप यहाँ पर डांस कर सको, मस्ती कर सको। तो यहाँ पर सब डांस कर रहे थे।
बच्चे लोग से पहले ही बाहर निकल गई थी, मुझे अंदर रहा नहीं जा रहा था, तो फाइनली मैंने बाहर से अंदर किसी को भेजा और बोला बच्चों को झूठ बोलने के लिए कि टाइम अप हो चुका है, तो इसी बहाने बच्चे फिर बाहर निकल जाएंगे। तो फाइनली बच्चे बाहर आ गए थे। उसके बाद बाहर निकलने के बाद बच्चों को और मस्ती करनी थी, उन्होंने बोला हमें ट्रैम्पोलिन में भी जाना है, तो ज़ियान और आहिल ट्रैम्पोलिन में चले गए थे। उसके बाद हमें दिखा बाहर ये रेस्टोरेंट जो कि ट्रेन जैसा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, केसरिया जी, और नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कभी आएंगे ये रेस्टोरेंट पे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने बाहर ही बैठ के ये चाय और मोमो इन्जॉय की, और बच्चे ये चीज़ मोमो खा रहे थे स्टीम वाली, और सब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन रेहान को मना है खाना जंक फूड, तो बेचारा वो खड़ा था वेट कर रहा था। और उसके बाद इन लोग ने ये लंदन बस में राइड इंजॉय करा और बहुत ही मस्ती की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।